हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अपर्णा। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 6, हिस्ट्री। इफ़ यू हैव नॉट सीन द अदर टू पार्ट्स, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। यहाँ से अब लोग फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट। ह्यूमैनिज्म इन यूरोप। यूरोपियन स्कॉलर्स बिगेन टेकिंग एन इंटरेस्ट इन स्टडिंग लैटिन एंड ग्रीक टेक्स्ट अराउंड 1300 CE। एक्सपांडिंग ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड द राइज ऑफ पावरफुल मोनार्चीज वी आर क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ द न्यू प्रोफेशंस एंड जॉब्स। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूरोप में किस तरीके से ह्यूमैनिज्म जो है वो चलन में आया, मीन्स चालू हुआ। ठीक है, तो यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे वो अराउंड 1300 CE के आसपास लैटिन और ग्रीक टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाने लगे। तो और जो ट्रेड है, एक्सपांडिंग ट्रेड है और अर्बनाइजेशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे पावरफुल मोनार्चीज़ जो थे उन्होंने क्या किया, नए नए जॉब्स बनाए, नए नए जॉब्स वहाँ पर, नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आई। तो उन्होंने ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या किया, उनको उन्होंने उस चीज़ को लिया और इस चीज़ का फ़ायदा लिया, एडवांटेज लिया और अपने जॉब्स और प्रोफेशंस जो थे वहाँ पर वो लोग वहाँ पर जाकर उनको सीखने लगे। द लैटिन स्कॉलर फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, बॉर्न इन 1304, डाइड इन 1374 CE, ऑफ इटली, इज कंसिडर्ड टू बी द पर्सन हु अस्टर्ड इन द ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड बाई द फैक्ट दैट पीपल एट द टाइम वे आर नॉट यूजिंग लैंग्वेज प्रॉपरली। ही बिगेन स्टडिंग लैटिन क्लासिक्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स यूजेज। ही फाउंड दैट द एंशियंट टेक्स्ट नॉट ओनली हेल्प्ड हिम टू लर्न हाउ टू यूज़ लैंग्वेज करेक्टली बट ऑल्सो हाउ टू थिंक क्रिटिकली टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। अब यहाँ पर बताया गया है जो लैटिन स्कॉलर थे जिनका नाम है फ्रांसिस्को पेट्रियार्क, वो 1304 में उनका जन्म हुआ था और 1774 में उनका डेथ हुआ था। ठीक है, इटली के थे वो। उनको कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है ऐसे ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट में, उनको क्या है, ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट में अस्टर्ड थे वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब उनको ये लगता था कि जो लोग हैं, ठीक है, वो जो लोग हैं वो लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। उनको लगता था कि वो लोग जो लोग हैं वो लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण उन्होंने लैटिन क्लासिक जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया। और जब वो पढ़ रहे थे तो उनको ये समझ में आया कि ये जो एंशियंट टेक्स्ट है वो ना तो सिर्फ मतलब सिर्फ लैंग्वेज को करेक्ट यूज़ करने में तो मतलब बताती है कि लैंग्वेज को किस तरीके से अच्छी तरीके से करेक्टली यूज़ किया जाता है, साथ में वो ये भी बताती है कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को अच्छे से क्रिटिक मतलब बहुत अच्छे से क्या है समझा जा सकता है, पूरे वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, ये बताती है लैटिन क्लासिक्स। उनका मानना ये था, द स्टडी ऑफ लैटिन एंड ग्रीक बिगेन टू स्प्रेड रैपिडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्क एंड अदर स्कॉलर्स। द ह्यूमैनिस्ट बिलीव दैट लर्निंग दिस टेक्स्ट कुड इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ यंग पीपल टू थिंक, राइट फॉर्मली, एड्रेस द पब्लिक, आर्ग्यू अ केस इन कोर्ट एंड और टॉक इंटेलिजेंटली अबाउट ट्रेड एंड पॉलिटिक्स। सो दे बिगेन टू एस्टैब्लिश स्कूल्स टू इम्पार्ट क्लासिकल एजुकेशन। दे वेयर हेल्प्ड इन देयर टास्क बाय द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1439 बाय द जर्मन आर्टिशियन जोनस गटनबर्ग, बॉर्न इन 1395, डाइड इन 1468 CE। हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज ऑफ बुक्स कुड नाउ बी ईजिली प्रिंटेड। स्कॉलर्स फार एंड वाइड कुड ले देयर हैंड्स ऑन प्रिंटेड कॉपीज ऑफ ओल्ड एंड न्यू बुक्स। दिस स्टिम्युलेटेड डिबेट एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अब यहाँ पर क्योंकि क्या है, यहाँ पर फ्रांसिस्को पेट्रियार्क का ये मानना था, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करने लगे, लैटिन और ग्रीक को पढ़ने लगे और ये जो ह्यूमैनिस्ट जो थे वो ये मानने लगे, लोग जो थे वो ये मानने लगे कि ये जो टेक्स्ट है, मीन्स जो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज है वो क्या करता है, लोगों की, यंग पीपल की एबिलिटी, मीन्स नए जनरेशन की एबिलिटी को बढ़ाता है। एबिलिटी बढ़ाता है, किस तरीके से बढ़ाता है, कि वो अच्छे से लिखना, फॉर्मली किस तरीके से लिखा जाता है, सोचने की शक्ति, किसी भी पर्सन को एड्रेस करना, मीन्स किस तरीके से सामने वालों का, बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें क्या, एड्रेस द पब्लिक, ठीक है, लोगों के हिसाब से उनसे बात करना, एड्रेस द पब्लिक हो गया, किसी भी केस कोर्ट केस में आर्ग्यू करना या फिर समझदारी से बात करना,
ताकि क्या हो, उनका ट्रेड और जो पॉलिटिक्स हो वो क्या हो, अच्छे से हो सके। ये सारी चीज़ें क्या करता है, इस चीज़ में हेल्प करता है। तो इनका ये जो जो स्कूल्स थे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने लगा, फिर वहाँ पर लैटिन और ग्रीक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा चलने लगा, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, रैपिडली स्प्रेड हुआ। और इसमें कई सारे स्कूल्स भी इस चीज़ में क्या उन्होंने क्लासिकल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, देने के लिए नए स्कूल्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए। अब ये जो स्कूल्स थे उनको हेल्प किसने किया, तो जो प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम पे इन्वेंट हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस 1439 पे किसने इन्वेंट किया था, जो जर्मन आर्टिशियन थे जोनस गटनबर्ग, उन्होंने इन्वेंट किया था, जिससे उसमें क्या है बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगी। बहुत सारी कॉपीज़ आसानी से, हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज़ जो है वो आसानी से प्रिंट हो जाती थी, और उसके बाद में नई और पुरानी बुक्स को क्या है यूज़ करने लगे लोग। और फिर जो नॉलेज था एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ जो थे लोगों के, और डिबेट वगैरह के माध्यम से लोग क्या करने लगे, उस चीज़ को पढ़ने लगे। वाइल प्रिंटिंग्स गेव एन इम्पीटियस टू द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट, द स्कॉलर्स चूज टू राइट इन द रीजनल लैंग्वेजेस दे न्यू, लाइक इटालियन, जर्मन, इंग्लिश, फ्लेमिश एंड फ्रेंच। दे वॉन्टेड टू राइट राइट इन अ लैंग्वेज दैट द कॉमन पीपल कुड ईजली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रिंटिंग के इन्वेंशन से बहुत सारे लोग जो थे वो ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट को पढ़ने लगे थे, लेकिन जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे वहाँ के, वो उस चीज़ को रीजनल लैंग्वेज में लिखने लगे, ताकि लोग जो हैं वो कॉमन कॉमन पीपल भी क्या कर पाएँ, उस चीज़ की स्टडी कर पाएँ, उस चीज़ को पढ़ पाएँ। वॉट वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमैनिस्ट स्टडी ड्यूरिंग द रिनाइसेंस एंड लर्निंग ड्यूरिंग द मिडिल एजेस? वी सॉ अर्लियर दैट द मिडिल एजेस लर्निंग फोकस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स। नो स्कॉलर हैड द करेज टू राइट और से एनीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द चर्च थॉट और सेड, बट ह्यूमैनिस्ट स्टडी फोकस्ड ऑन द डेली लाइफ ऑफ पीपल, लाइक द लव स्टोरी ऑफ अ हीरो एंड हीरोइन, अ पोलिटिकल सिस्टम और सोशियो इकोनॉमिक इशूज। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमैनिस्ट स्टडी में और जो मिडिल एज में, जो मिडिल एजेस के टाइम पे जो लर्निंग थी, ठीक है, ह्यूमैनिस्ट की स्टडी में और मिडिल एजेस की लर्निंग में दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। किस तरीके से डिफरेंस था, तो मिडिल एजेस में जो लर्निंग थी वो ज़्यादातर फोकस करते थे रिलीजियस थीम्स पे, लेकिन जो ह्यूमैनिस्ट की स्टडी है वो ज़्यादातर फोकस करते थे कोई किसी लव स्टोरी में या हीरो हीरोइन में, पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर सोशल इकोनॉमिक इश्यूज में। तो ये दोनों, तो जो रिलीजियस की जो स्टडी होती थी उसमें कोई भी स्कॉलर जो है वो उंगली नहीं उठा सकता, मींस वहाँ पर उनको चैलेंज नहीं कर सकता था या उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था, चर्च के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता था। लेकिन आपका ह्यूमैनिस्ट की स्टडी में ऐसा नहीं था, वो दोनों जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी अलग थे। द ह्यूमैनिस्ट नो लॉन्गर हेजिटेट टू एयर देयर व्यूज अबाउट द चर्च एंड टू इवन क्रिटिसाइज इट, इवन इफ दे डिपेंडेंट ऑन द चर्च फॉर देयर लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, द लैटिन स्कॉलर लोरेंजो वाला स्टडीड सम इम्पॉर्टेंट चर्च डॉक्यूमेंट्स इन 1435 एंड प्रोक्लेम्ड दे वेयर फोर्जरीज। वन सच डॉक्यूमेंट विद द सील ऑफ अ रोमन एम्परर ग्रांटेड टेम्परल पावर ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है, अब यहाँ पर जो ह्यूमैनिस्ट थे वो ह्यूमैनिस्ट जो लोग जो 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 भी स्टडी करते थे ह्यूमैनिस्ट की, वो धीरे से उन्होंने क्या है अपने जो चर्च के जो व्यूज़ थे अपने उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चर्च के व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक लैटिन स्कॉलर थे लोरेंजो वाला, उन्होंने चर्च के कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया 1435 में और फिर क्लेम किया कि ये जो है वो क्या है फॉर्जरीज हैं, मीन्स गलत हैं, उनको बनाया गया है और जो रोमन एम्परर थे, मीन्स वहाँ पर जो वन सच डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट पाएगा जिसमें जो रोमन एम्परर थे उन्होंने टेम्परल पावर, अपना जो टेम्परल पावर है वो रोमन कैथोलिक चर्च को दिया। ठीक है, तो ये सब उनका मानना था कि ये क्या है फोर्जरीज हैं, गलत हैं, ये डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। द वेल नोन डच ह्यूमैनिस्ट एरास्मस, बॉर्न इन 1466, डाइड इन 1536 CE, स्टडीड द राइटिंग्स ऑफ अर्ली ग्रीक क्रिश्चियंस एज वेल एज द ओरिजिनल ग्रीक बाइबल। ही पॉइंटेड आउट दैट द चर्च ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन टू लैटिन हैड मैनी एरर्स। ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट मैनी ऑफ द बिलीव्स ऑफ द चर्च वर्ज्ड ऑन सुपरस्टिशन। ही रॉट अ सेट्रिकल बुक इन प्रेस ऑफ फॉली इन विच ही टुक अ क्रिटिकल लुक ऑफ एट
क्रिटिकल लुक एट मेनी ऑफ चर्च व्यूज एंड एक्शंस। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डच ह्यूमैनिस्ट थे इरास्मस, ठीक है, उनका उनका बॉर्न इन 1466 और उनकी डेथ हुई थी 1536 में। उन्होंने जो राइटिंग्स है, ग्रीक क्रिश्चियंस जो थे उनकी जो राइटिंग्स थी, जो ओरिजिनल ग्रीक था, उनको ट्रांसलेट जो किया था चर्च ने, क्या चर्च ने उनको जो ट्रांसलेट किया था ग्रीक बाइबल को ट्रांसलेट किया था, तो उन्होंने यहाँ बहुत सारे उन्होंने पॉइंट कर दिया कि बहुत सारे जो ट्रांसलेशन जो बुक है उसमें, जो बाइबल जो ट्रांसलेट हुई है उस बुक में बहुत सारे एरर्स हैं, और क्लेम किया कि जो चर्च की जो बिलीव्स हैं वो ज़्यादातर सुपरस्टिशियन के ऊपर है, मीन्स वहाँ पर अंधविश्वास के ऊपर में ये बनाए गए हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी जो कि द प्रे इन प्रेस ऑफ फॉली, जिसमें इस क्रिटिकल लुक को, ठीक है, किस तरीके से चर्च के व्यूज और एक्शंस थे उनके बारे में वहाँ पर बताया गया है। डिड वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ह्यूमैनिस्ट स्टडीज? इन दोज डेज ओनली मैन अचीव्ड फॉर्मल एजुकेशन। वुमेन आर एक्सपेक्ट वेयर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, बट देर वेयर अ फ्यू वुमेन हु ब्रोक द बैरियर्स एंड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन, मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व अमंग द ह्यूमैनिस्ट राइटर्स। वन ऑफ देम वॉज कसेंड्रा फेडले, बॉर्न इन 1465, डाइड इन 1558 CE। शी बिलीव्ड दैट वुमेन टू should be allowed to learn the classics. In those days, Venice was a republic, but women were not allowed to participate in public life. Fedley felt this was a barrier that limited freedom and democracy and gave precedence to the needs and wishes of men. There was for among the first women to criticize the male-centric system, paving the way for later feminist thinking of emerge. ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या उस वक्त पे भी वुमेन्स को, ठीक है, वुमेन्स को इस ह्यूमैनिस्ट स्टडी पढ़ने की इजाज़त, ठीक है, पार्टिसिपेट उनको पढ़ने की इजाज़त थी कि नहीं थी, उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था। तो उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो मेंस थे उनको ही ये चीज़ की क्या थी, इजाज़त थी कि वो पढ़ पाए, उन फॉर्मल एजुकेशन लेने की ही लेने का ही जो हक था उनका, वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे मेन का ही हुआ करता था। लेकिन ऐसी कुछ वीमेंस थी जिन्होंने जो बैरियर्स है उसको तोड़े, बैरियर्स को तोड़े और वहाँ पर उन्होंने ह्यूमैनिज्म की स्टडीज़ की, जैसे कि यहाँ पर आपका नाम दिया गया है कैसेंड्रा फेडले, ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1465 में और 1558 में उनकी डेथ हुई थी। उनका मानना ये था कि वीमेंस का भी क्या है, अधिकार है कि वो क्लासिक्स को लर्न करें, जो जो उनके टेक्स्ट हैं उनको लर्न करें। उस टाइम पे वेनिस जो थे वो रिपब्लिक था, लेकिन वहाँ पर भी वीमेंस को अलाउड नहीं किया जाता था पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर फेडले का मानना ये था कि ये जो फ्रीडम उनको मिला है, वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी जो मिली है वो क्या है, लिमिटेड है, और सारे जो उनके नीड्स और विशेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन को ही, मेन पर ही आधारित है, उन्हीं के विशेस को पूरा किया जा रहा है। जो फेडले हैं वो पहली वुमेन्स में से एक थी जो कि मेल सेंट्रिक सिस्टम को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अनदर फेम्ड ह्यूमैनिस्ट वॉज द इटालियन निकोले माचियावेली, बॉर्न इन 1469, डाइड इन 1527 CE। ही पब्लिश एन इम्पॉर्टेंट बुक कॉल्ड द प्रिंस इन 1513। इट वॉज बेसिकली अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इट इन्वेस्टिगेटेड हाउ पॉलिटिकल प्रोसेस एक्चुअली हैपन इन द रियल वर्ल्ड रेदर देन सम इमेजिनरी और आइडल सिचुएशन। इट डिस्क्राइब्स हाउ अ किंग कैन एक्वायर ऑटोक्रेटिक पावर बाय फ्रीइंग हिमसेल्फ ऑफ ऑल मोरल कंपंक्शंस। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो वीमेन ह्यूमैनिस्ट थे उनके बारे में बताया गया है, निकोल माचियावेली। उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंस, द प्रिंस, 1513 में। वो बेसिकली उसमें उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए थे पॉलिटिकल प्रोसेस में जो कि रियल वर्ल्ड में होते हैं, और कुछ इमेजिनरी और आइडल सिचुएशंस जो उनके हिसाब से थे वो उन्होंने उस बुक पे लिखा है। In this way, we see how the ancient classics gave rise to humanism. Humanist study strengthened people's powers of self-expression and critical thinking. It eventually led to opposition of the church among the permanent changes it made. The most important were liberal classical education and intellectual freedom.
अब यहाँ पर आपका बताया गया है कि इस तरीके से क्या है, जो एंशियंट क्लासिक्स जो थी वो ह्यूमैनिज्म की तरफ बढ़ी बढ़ी मीन्स वहाँ पर किस तरीके से एंशियंट के टाइम से ह्यूमैनिज्म का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, रैपिड ग्रोथ हुआ, और ह्यूमैनिस्ट की स्टडी जो है उन्होंने लोगों के जो पावर्स थे और सेल्फ एक्सप्रेशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, वो बढ़ाया। ये जो है इवेंचुअली क्या करता है, अपोजिशन करता है, चर्च का क्या करता है, अपोज करता है। और बहुत सारी ह्यूमैनिज्म की स्टडी से बहुत सारे परमानेंट चेंजेस भी आए, और मोस्ट जो यहाँ पर बताया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, लिबरल क्लासिकल एजुकेशन और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम लोगों को मिला। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे इन इंडिया। थैंक यू।